आइए दोस्तों, आप सभी को मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जेलिंगो इस लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल में सेवा जोहार करता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी धनितर वैगा विद्या में जड़ी बूटी के बारे में। तो आज हम इसी जड़ी बूटी के बारे में आज इस एक बहुत बड़ी विशेष लाभकारी गुणकारी पौधा के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, आज मैं आया हूँ इस पौधा के बारे में बताने के लिए। ये है जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में कोराया बोलते हैं जिसको। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का दूध भी निकलता है। ये इसमें दूध निकल रहा है इसमें। ये देखिए, ये दूध निकलता है इसमें। इसके पत्ती को तोड़ने पर ये दे हल्का सा दूध निकलता है। ये जो कोराया है, इसका बहुत विशेष लाभकारी गुण है। तो इसका जो हम अपनी धनितर वैगा विद्या पद्धति में इसका उपयोग हम बवासीर, जैसे हमारे आज के समय में जो बवासीर होता है, उन्हीं बवासीर हो चाहे मस्सा वाला बवासीर हो, इस बवासीर में इसका उपयोग, छाल का उपयोग करते हैं। तो ये इसका, देखिए इसका पौधा है, ये इसका पौधा है। और इस पौधा में छोटा सा इसका हल्का सा पतला सा लेयर नुमा इसका हल्का सा पतला सा छाल रहता है। ये देखिए, यहाँ भी छोटा सा लेयर नुमा छाल होता है इसमें। और ये जो ये छाल को आपको इसका उपयोग हमारे इस विद्या में किया जाता है। तो इस छाल को आप लाइए, और लाने के बाद सुखा करके पीस के उसको क्या बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और उस पाउडर का आप एक चम्मच या दो चम्मच की मात्रा में बीमारी की, जिस प्रकार से पुराना बीमारी है, 4 साल 5 साल हो गया है बवासीर परेशानी, वो दूर नहीं हो रहा है, तो उसमें आप इसको लाइए और पाउडर को आप चावल की, जो हम छत्तीसगढ़ में उसको चरोहन बोलते हैं, उसको छाछ बोले जाते हैं हिंदी में, तो चावल के छाछ के साथ में इसको मिक्स करके घोल के इसको आप नित प्रति एक गिलास छाछ के साथ आप इसका सेवन कीजिए। आपके शरीर में जो बवासीर की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से इस वनस्पति का एक लाभकारी गुण है। दूसरी, अगर किसी भी भाई को सिर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सिर में दर्द होता है या फिर पेट में दर्द होता है, तो भी वो सेम इसी प्रकार से इसकी पत्ती का आप पाउडर बना के पत्ती का सेवन कीजिए। आपको मैं पहले पत्ती को दिखाया हूँ, उस पत्ती का सेवन कीजिए। आपको पेट दर्द और सिर दर्द से वो हल्का बुखार होगा, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। ये जो हमारी कोराया का जो पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ भी बनता है, लेकिन ये झाड़ी नुमा होता है, बड़ा सब पेड़ नहीं बनता। तो ये झाड़ी नुमा जो एक वन, जो झाड़ी नुमा ये एक पौधा है, इसका उपयोग हमारे धनितर वैगा विद्या में किया जाता है। पहला बवासीर के लिए, दूसरा हल्का बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द के लिए, और इसका तीसरा उपयोग हमारे परंपरागत तरीके से, तीसरा उपयोग इसका, जैसे आज के समय में मैं इसका उपयोग करता हूँ शुगर के लिए भी। शुगर के लिए इसका छाल को ला के पाउडर बना के शुगर रोगी को गर्म पानी में इसको उबाल के उस छाल को पीने की, जो ये इसमें और बहुत प्रकार से इसको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से इस पौधा का उपयोग है हमारे धनितर वैगा विद्या पद्धति में। तो आइए दोस्तों, ये जो एक विशेष प्रकार से पौधा का मैं आप लोगों को लाभकारी गुण को बताया, और रही बात इसका साइड इफेक्ट का, नुकसान का, तो पहली बात तो ये, जड़ी बूटी को आप मूल रूप से सेवन करेंगे तो ऐसे ऐसे जो जड़ी बूटी है जो कभी साइड इफेक्ट नहीं करता, नुकसान नहीं करता। मैं आपको जो भी अगर आपके खाने में भी मात्रा में भी अगर हेरफेर हो गया, तो भी ये ऐसा पौधा है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे नहीं कि जड़ी बूटी में कोई हर जड़ी बूटी साइड इफेक्ट नहीं करता, साइड इफेक्ट करता ही नहीं, ऐसा नहीं। कई ऐसे हैं हमारे इस धनितर वैगा विद्या में और जड़ी बूटी में जो इफेक्ट करता है, लेकिन आप लोगों को मैं अभी मूलतः साधारण जो ऐसा जो जड़ी बूटी के बारे में, पौधा के बारे में बता रहा हूँ जो आपको नुकसान नहीं करेगा। कुछ कुछ ऐसा है जो नुकसान करेगा, लेकिन ये जो मैं बताया हूँ वो आपको पता ही नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ देगा। तो आज हम जाने इस कोराया के एक विशेष लाभकारी गुण के बारे में। तो मैं आप लोगों के बीच में, मेरा आने का मूल उद्देश्य यही है कि
कि हमारे आज के समय में आयुर्वेद के नाम से, मेडिकल के नाम से व्यवसाय चलाई जा रही है, धंधा बना के धंधा चलाई जा रही है, तो आज जो निम्न तबके के आदमी हैं वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और बीमारी से ग्रसित होकर के मर जा रहे हैं। तो उनको हम उसकी जो हमारी मूल परंपरा है, परंपरागत जो पद्धति है, उसमें आने के लिए जिसमें आपको किसी भी प्रकार से ना खर्चा होगा ना कुछ होगा, आपके क्षेत्र में, आपके जगह में, आपके इलाके में ये पौधा होगा, ये पेड़ होगा, तो आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, अब ये नहीं कि मैं मेडिकल वाद का विरोध कर रहा हूँ, आयुर्वेद वाद का विरोध कर रहा हूँ, ये सब चीज मेरा नहीं है। मेरे बताने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने इलाज कैसे करें, हम अपने इलाज कैसे करें, जिस प्रकार से हमारे पूर्वज जिस चीज का सेवन करके इलाज करते थे, उसमें हम परंपरागत व्यवस्था को लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों के सामने में आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो सादर सेवा जोहार करता हूँ। और जो भाई हमारे लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको धनित्तर बैगा विद्या के बारे में जानकारी मिलते रहे और आप सीखते रहें। आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें। जय सेवा, जय जोहार क्रांतिकारी, जय लंकेश।